ये जो पांच इंद्रियों का सुख मिलता है हमको रोज, इसमें भी बहुत स्तर है। हमने तो साहब बहुत गरीब हैं, कभी रसगुल्ला खाया नहीं, गुड़ खाते रहे जिंदगी भर। ऐसे भी गरीब हैं हमारे देश में, और सब बड़ी बड़ी दुनिया की चीजें खा लेने वाले कहते हैं, अजय सुनते हैं स्वर्ग में अमृत है, वो कैसा होता होगा, वो मिलता अगर अमृत। और जिनको अमृत मिल गया है वो कहते हैं वो जो गोलोक में है वो मिलता अगर, यानी स्वर्ग तक जितने पदार्थों के सुख है वो जड़ जड़ संयोग जन्य सुख है, जड़ इंद्रियां जड़ संसार उसका संयोग, देखने से सुख मिला, ये सुंदर है, सुनने से सुख मिला, और जड़ चेतन जन्य सुख क्या होता है, मन और आत्मा का मिलन हो जाए, यही है ज्ञानियों की समाधि, ये समाधि का सुख होता है, सारा संसार भूल जाता है इसमें, आत्म विस्मृति। बेटा मरा पड़ा है, पड़ा होगा, 1 करोड़ की लॉटरी खुल गई है, सुना है, खुली होगी, समाधि के सुख के आगे सब सुख बेकार, वो स्वर्ग का सुख भी बेकार, इतना बड़ा सुख होता है वो समाधि का सुख जिसको मिलता है आत्मा का, वो कहता है बस 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 और कुछ नहीं चाहिए, हो गया, भगवत प्राप्ति हो गई, धोखे में आ जाता है। अगर उसका गुरु श्री कृष्णानंद नहीं प्राप्त किए तो वही रुक जाएगा और फिर पतन हो जाएगा। और दिव्य मन से दिव्य श्री कृष्ण का जो आनंद है, आत्मा का नहीं परमात्मा का, और ये प्राकृत मन से नहीं दिव्य मन से, दो शर्त। ये जो ज्ञानियों को आनंद मिल रहा है तो प्राकृत मन का है ना, हाँ। तो क्यों जी, ये भक्तों का भी तो मन प्राकृत होता है, हाँ, लेकिन ध्यान दो, लेकिन अंतःकरण शुद्धि के बाद श्री कृष्ण अपनी स्वरूप शक्ति से भक्त के मन को दिव्य शक्ति देकर दिव्य बना देते हैं। तो क्यों जी, ज्ञानियों को निराकार ब्रह्म अपनी शक्ति नहीं देता, निराकार ब्रह्म कुछ नहीं करता, वो तो एक पर्सनैलिटी है, इसलिए वो बेचारा वहीं रुका पड़ा है आत्मानंद में, ब्रह्मानंद नहीं पा सकता। पृथ्वी को लांग गया, जल को लांग गया, तेज को लांग गया, वायु को लांग गया, आकाश को भी लांग गया, इसके आगे अहंकार उसको भी लांग गया, ये मैं, ध्याता ध्येय ध्यान, ये तीन होता है ना, ध्यान करने वाला मन ध्यान कर रहा है ब्रह्म का, और जो ध्यान कर रहा है वो, ये तीनों खत्म हो गए। जब मैं खत्म हुआ तो ध्येय और ध्यान भी खत्म हो गया, तब वो आत्म विस्मृत हो गया। आत्म विस्मृति ही
समाधि, मंडल ब्राह्मण उपनिषद 1:10 समाधि हो गई, आत्म विस्मृति। अब इसके आगे है महान महत्त्व, उसके आगे है प्रकृति। ये दो को लांग जाए तब भगवत प्राप्ति का आनंद मिलेगा। वो बिना भगवत कृपा के कोई नहीं लांग सकता।